हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अवर टूडेज टॉपिक इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आज हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे। इस चैप्टर का नाम है सेल। सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है और सेल क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। तो देखो, सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि वॉट इज सेल। सेल क्या है? जैसे बेटा, क्या ये हाउस बनाया मैंने, ठीक है। एक जो हाउस है वो छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलके बना है। ब्रिक्स मतलब ईंटों से मिलके। इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स। सो ब्रिक इज ए स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ दिस हाउस। तो स्ट्रक्चर किससे बनी है इसकी? छोटी छोटी ऐसे ब्रिक्स को जब हम जोड़ देंगे, इस तरह से छोटी छोटी ब्रिक्स को हम जोड़ेंगे ना, इस तरह से, तो एक बड़ा सारा घर बना देते हैं, ठीक है, इस तरह से छोटी छोटी ब्रिक्स को जोड़ के। तो जो एक ब्रिक है ना, ये वाली एक जो ब्रिक है, ठीक है, वो इस घर की स्ट्रक्चरल यूनिट है। यूनिट मीन्स जिससे मिलके ये घर बना है। इसी तरह से जो ये ह्यूमन है ना, ह्यूमन की जो बॉडी है ये सेल से मिलके बनी हुई है, ठीक है। तो देखो, जैसे ग्रुप ऑफ सेल, अगर बहुत सारे सेल्स का ग्रुप इकट्ठा हो जाता है ना, तो उसको हम कहते हैं टिश्यू। और टिश्यूज़ के ग्रुप को क्या कहते हैं हम? ऑर्गन। और ऑर्गन्स के ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम। तो दिस इज़ द पैटर्न ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलके बनी हुई है। हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यू हैं, ऑर्गन है और ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी जो है वो सेल से मिलके बनी है, और सेल बहुत सारे तरह के फंक्शन परफॉर्म कर रही है हमारी बॉडी में। तो हम इसको कहते हैं सेल इज़, हम इसको क्या लिखेंगे? सेल इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आर बॉडी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है कि सेल जो है वो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जिससे कि हमारी बॉडी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है। हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स मिलके बहुत सारे टिश्यूज़ बना रही है, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बना रहे हैं, और ऑर्गन के ग्रुप मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। तो हम इसको NCERT में एज इट इज़ रीड कर लेते हैं। You have already learned that things around us are either living or non-living. आपने पहले भी देखा है, आप पहले क्लासेस में पढ़ चुके हो बेटा, कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उसमें से कुछ चीज़ें लिविंग है और कुछ चीज़ें नॉन लिविंग है। फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट सर्टन बेसिक फंक्शन। और आपने देखा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आएगा? एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, ये सारे बेटा कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कैन यू लिस्ट दीज फंक्शन? क्या आप इन फंक्शंस के नाम गिनवा सकते हो? जैसे कौन कौन से नाम होंगे इनके? डाइजेशन हो गया, इजेशन हो गया, ब्रीदिंग हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया। ये सारे प्रोसेस है जो कि सेल परफॉर्म कर रही है हमारी बॉडी में। डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शन यू हैव लिस्टेड। इन दिस वेरियस फंक्शन यू हैव लिस्टेड इन दिस चैप्टर You have learned about the basic structural unit of organ, which is called cell. हमारी body की structural unit कौन सी है? Cell. Cells may be compared to bricks. Cells को हम किससे compare करते हैं? Bricks से. Bricks are assembled to make a building. Bricks को हम assembled कर देते हैं। Assemble मतलब इकट्ठा करके जब एक के बाद एक लगाते हैं, तो उससे कुछ ना कुछ building तैयार होती है। Similarly, cells are assembled to make the body of our एवरी ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से जो सेल्स हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी प्रिपेयर करती हैं। तो देखो बेटा, डिस्कवरी कैसे हुई थी सेल की? रॉबर्ट हुक थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने 1665 के अंदर ऑब्जर्व किया था कुछ स्लाइस ऑफ कोर्क अंडर ए सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। स्लाइस ऑफ कोर्क का मतलब क्या होता है? कोर्क बेटा जो एक जैसे एक स्टेम है ना, जैसे इस तरह से एक प्लांट है बड़ा सारा, देखो, ठीक है। इसकी जब ये स्टेम है, स्टेम जब बिल्कुल सूख जाती है, तो इसका जो छिल्लड़ सा उतारते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड कोर्क। और कोर्क के एक पार्ट, दैट इज़ कॉल्ड बार्क। इसको हम बार्क कहते हैं पूरी को, ठीक है। और बार्क का एक जो टुकड़ा होगा उसको हम कोर्क कहेंगे, ठीक है। तो उन्होंने एक स्लाइस लिया, कोर्क लिया बार्क का, उसको मैग्नीफाइंग डिवाइस था उनके पास। उनको नहीं पता था कि इस मैग्नीफाइंग डिवाइस को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं, क्या कहते हैं। कोर्क इज़ द पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ द ट्री। He took this slice to cork and observed them under the microscope. उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप का, कि जिससे हम छोटी चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं, उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उनको इस तरह से दिखाई दिया बेटा वो कोर्क। He noticed partitioned boxes or compartment in the cork slice. उन्होंने उनको दिखा कि इस कोर्क की स्लाइस के अंदर ना बहुत सारे छोटे छोटे डब्बे हैं, ठीक है। उसके बाद है these boxes appeared like a honeycomb. और ये बॉक्सेस को उन्होंने क्या कहा? हनी कॉम का। ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम अदर बाई वॉल और पार्टीशन।
उन्होंने देखा कि एक बॉक्स, ये देखो एक छोटा सा बॉक्स है ना, वो दूसरे बॉक्स से सेपरेट है। देखो ये वाला बॉक्स है, ये वाला बॉक्स से सेपरेट है, किससे? एक बॉल से, ठीक है। हुक कॉइंड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स, उन्होंने कहा कि ये वाली सारी जो सेल्स है ना, ये एक बॉक्स एक सेल है। वट हुक ऑब्जर्व और बॉक्सेस और सेल्स इन द कोर्क वर एक्चुअली डेड सेल्स, उन्होंने देखा कि जितनी भी सेल्स हैं ये सारी डेड सेल हैं। सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। और सेल्स, लिविंग सेल्स, ये तो इन्होंने डेड सेल देखी थी ना, ये वाली सेल जो थी डेड सेल्स थी। उन्होंने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेल को हम तभी देख सकते हैं जब हमारे पास बहुत अच्छे टेक्निक वाले माइक्रोस्कोप होंगे। वेरी लिटल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150th ईयर ऑफ आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन टूडे। वी नो ऑल अलॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर। उसके बाद बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी के बाद बहुत सारी ऑब्जर्वेशन की गई और आज हमको सेल की मतलब जो लिविंग सेल है उसकी हम अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। वी नो लोट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, क्योंकि आज हमारे पास क्या है, इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप है। ओके, अब देखो द सेल की सेल क्या है। बोथ ब्रिक्स इन द बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स। वो कह रहे हैं बोथ, बोथ चीज़ें मतलब दोनों, ब्रिक्स इन द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की ब्रिक्स हैं मतलब जो ईंटें हैं एक बिल्डिंग की, और जो सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेल है, ये दोनों क्या हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं। द बिल्डिंग दो बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिजाइन शेप्स एंड साइज। सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। देखो बेटा जैसे हम ईंटों वाली भट्टी से ईंटें ले रहे, अब उसका चाहे हम पैलेस बना लें, चाहे हम उसकी कोठी तैयार कर लें, चाहे हम उसका कोई रेस्टोरेंट बना लें, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने ब्रिक्स का क्या करना है, ठीक है। उसको हम जिस तरह से अरेंज करेंगे वो उस तरह से, उसको जैसे नक्शा बनाएंगे उस तरह से अरेंज करेंगे तो उस तरह की चीज़ बन जाएगी। इसी तरह सेल्स भी जिस तरह से अरेंज होंगे उस तरह का ऑर्गेनिज्म बनेगा। जैसे चूहे के अंदर सेल्स और टाइप से अरेंज है, अलग टाइप से अरेंज है, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स अलग टाइप से अरेंज है, क्रोकोडाइल की बॉडी में सेल्स अलग टाइप से अरेंज है। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। सेल्स जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वैसे ही कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर है जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ब्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद देखो ए हैंस एग कैन बी सीन इजीली, एक हैन के एग को बेटा, एक ही ऐसी सेल है जो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, बाकियों को हमको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ता है। इसका नाम है हैन का एग, हैंस एग कैन बी सीन इजीली, इज इट ए सेल और ए ग्रुप ऑफ सेल। अब वो कहता है कि आप बताओ कि ये सेल है कि ग्रुप ऑफ सेल है, एक ही सेल है बेटा हैन की एग। द एग ऑफ ए हैन रिप्रेजेंट ए सिंगल सेल, ठीक है, एक ही सेल है ये, एंड इज बिग इनफ टू बी सीन थ्रू अनएडिड आइज। अनएडिड मतलब जो आपने, आप अपनी आंखों से कोई चीज़ देख पा रहे हो, आपको किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती, उसको हम अनएडिड आइज कहते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, थैंक यू।